Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today we will discuss average. Average एक important topic है, easy topic है. Question exam में एक question तो आप expect कर ही सकते हो average पे. साथ में अगर DI की form में question आ जाए या फिर आपके पास statement based question के अंदर आ जाए या data sufficiency के अंदर आ जाए, वो एक अलग point है. Okay? ईजी टॉपिक है तो सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सभी ने साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि मैडम इतने क्वेश्चंस हमारे करेक्ट थे, इतने क्वेश्चंस हमारे करेक्ट थे. ओके हाँ जी, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक मिनट लूंगी बेटा, ध्यान से पॉइंट को समझना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी सेट एग्जाम, सी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस सभी को पता है कि सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें. तो अब तो एक तो है कि हाँ जी हम कंप्लीट कोर्स लें, कंप्लीट कोर्स लें. इतना टाइम नहीं है अब आप लोगों के पास में कि आप कंप्लीट सिलेबस को कवर अप कर सको. ठीक है, तो मेन क्या है कि या तो आप ऐसा कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करें, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जिन जिन टॉपिक्स के अंदर से एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप ले सकते हो. ओके, तो उसके लिए एक तो क्रैश कोर्स है, आप क्रैश कोर्स ले सकते हो. दूसरा, आप खुद से अगर टॉपिक चूज करके प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए देखिए अभिपीडिया आपको फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है कि आप फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. फुल सब्सक्रिप्शन के केस में आप इसके अंदर आपके पास 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है. तो अभी फॉर द टाइमिंग, जैसे कि आपको पता है कि 5th को एग्जाम है, 5th जून को एग्जाम आपका हो जाना है, तो उस केस के अंदर आपको 1 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसके अंदर आपको फुल एसेस होगा जितना भी प्राइम कंटेंट है, लाइक योर वीडियो लेक्चर्स, माइक्रो कोर्सेज, MCQs, ओके, इसके अलावा जितने भी वेब नोट्स हैं वो आपको मिल रहे, साथ में जो टेस्ट सीरीज है. ओके, तो सभी के ऊपर आपका एसेस होगा, 1 मंथ के लिए आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है. आप उसमें से देख सकते हो जो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ सकते हो. ओके, दूसरा वीडियो कोर्सेज के अंदर आपके पास कंप्लीट कोर्सेज है, आपके पास मॉड्यूल कोर्सेज है, लाइक आपको क्वांट प्रिपेयर करना, लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करना, इंग्लिश प्रिपेयर करना, या फिर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, तो वहां पे आपको कहाँ पे जाना है, वीडियो कोर्सेज के अंदर. ओके, दूसरा उसके बाद में आपके पास आ जाता है टेस्ट कोर्सेज के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर भी आपके पास फ्रीडम है. आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ले लीजिए ओनली. अगर आपको रीजनिंग चाहिए, रीजनिंग ले सकते हो, इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश ले सकते हो. एक है कंप्लीट जिसके अंदर सेक्शनल टेस्ट है, साथ में कंप्लीट मॉक आपको मिल रहा है, दिस इज द टेस्ट सीरीज. अगर आप फुल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसके साथ में ये टेस्ट सीरीज, ये वीडियो कोर्सेज और तीसरा ये माइक्रो कोर्सेज, सभी आपको मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, लाइक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, कोई भी टॉपिक है, पजल, सिलोजियम, ब्लड रिलेशन, तो आप उस पर्टिकुलर एक टॉपिक को भी ले सकते हो. ओके, तो उसके लिए आपने कहाँ पे जाना है, माइक्रो कोर्सेज के अंदर. आई होप सभी को अंडरस्टैंडिंग हो गया इस चीज की कि कैसे आप इसको एसेस कर सकते हो. कई बार क्या होता है कि ना सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, तो उस वजह से अगर आप कुछ कंटेंट्स लेना चाह रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाती है. अगर फिर भी कोई इश्यू आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, कहता है एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 71. एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 71 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 73. इफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज 84 एंड द रेशियो ऑफ 6th एंड 7th नंबर इज 9:7, देन फाइंड द 6th नंबर आपको फाइंड आउट करना. अब देखिए, अगर आपके पास एवरेज गिवन है और साथ में आपको ये पता है कितने नंबर्स की एवरेज है, देन यू कैन फाइंड आउट टोटल. हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो अब यहां पे देखिए, अपने पास में 11 नंबर्स की एवरेज गिवन है, तो दैट मींस कि 11 नंबर्स का टोटल आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितना आएगा, 71 × 11, कितना हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट सभी को आता है, कितना आ गया बेटा जी आपके पास में. ओके, कितना आ गया आपके पास, 781. उसके बाद में क्या है, फर्स्ट 5 नंबर्स की एवरेज कितनी है. अब देखो 11 नंबर्स है,
जिसके अंदर से इसमें कैसे डिवाइड किया, फाइव नंबर ही हो गए। उसके बाद है आपके पास में सिक्स नंबर, सेवन्थ नंबर, और उसके बाद कितने बच गए आपके पास, फोर नंबर। फोर नंबर ये सिक्स है, ये सेवन्थ है, उसके बाद तो टोटल कितने हो गए, इलेवन नंबर हो गए। तो साथ में इसने क्या कहा कि जो फर्स्ट फाइव नंबर है उनकी एवरेज कितनी है, 73। तो जो फाइव नंबर्स हैं उनका टोटल यहां से आ जाएगा, फर्स्ट फाइव नंबर्स का टोटल, हाँ जी कितना आ जाएगा, 73 इंटू फाइव कितना हो गया ये आपके पास 15, 35 और 36 डन। उसके बाद में क्या कह रहा है कि फोर जो लास्ट फोर नंबर्स हैं उनका भी टोटल आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितना है 84 है, तो 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ गई, ओके। अब अगर मान लो मैं इस 11 के अंदर से, इस 11 नंबर्स के अंदर से इन दोनों को माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं और इसको भी माइनस कर दूं, तो फिर क्या आएगा मेरे पास, जो रिमेनिंग टू नंबर्स है कौन सा, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, तो सिक्स्थ और सेवन्थ आ जाएगा, सिक्स्थ एंड सेवन्थ नंबर का टोटल कितना आ गया, इसके अंदर से इनको दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो यहां पे अपने पास बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गया आपके पास में, 80 आ गया। अब यहां पे उसने क्या कहा, 6 एंड 7 की रेशियो कितनी है, 9:7, दैट मींस कि यहां पे ये किस रेशियो में, 9:7, ओके। टोटल कितना है आपके पास में, 80, दैट मींस व्हाट कि हमारे पास में 9:7 कितना हो गया बेटा, 16 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। तो फर्स्ट जो सिक्स नंबर है वो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ये कितना हो गया, 7 × 5 = 35, क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था कि सिक्स नंबर फाइंड आउट करो, तो सिक्स कौन सा कितना आ गया बेटा, 45 आ गया, 45 आ गया, क्लियर है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 45 इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन फिर जैसा मर्जी एग्जाम के अंदर आ जाए आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15,050 एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,350 एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए सी इज 15,200, ओके। द मंथली इनकम ऑफ ए इज, ए की मंथली इनकम बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है, तो अब देखिए यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ए और बी का हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी का टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, बी सी का आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हो और ए सी का टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम सभी का टोटल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल मिल जाएगा। उसके अंदर से अगर मैं बी सी को माइनस कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया, कैसे करोगे सोल्व, तो करिए फिर मेरे साथ में सभी। क्या करना है हमने, ए और बी का टोटल कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टू से, कितना आ गया बेटा 3000, क्लियर। इसी तरह से बी सी का टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे, बी सी मल्टीप्लाई करेंगे टू से, कितना आ गया आपके पास में 3700, क्लियर। उसके बाद में ए सी का कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन टू से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आपके पास में 400, डन। अगर मैं सभी का टोटल करती हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये देखो ए टू टाइम्स है, बी टू टाइम्स है, सी टू टाइम्स है, दैट मीन्स कि सारा मेरे पास में टू टाइम्स आ जाएगा, ओके। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0, 0, 7, 4, 11 और 1, 12 और 1 हो गया, 9, डन। अब यहाँ पे देखो मेरे पास सारा टू टू टाइम्स है, तो अब अगर ए बी सी का टोटल निकालना है तो क्या करूंगी मैं, टू से डिवाइड कर दूंगी, तो क्या आ गया मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 8 = 10, 6, क्लियर। अब इसमें से हमने किसको माइनस करना है, बी सी को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी, पॉइंट क्लियर है। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है वैल्यू कितनी आ गई, 00941, दैट मीन्स 14900 विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, कोई माइनर सा इसके अंदर डाउट आ रहा हो, क्लियर है सभी को, ओके।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 15.8 ईयर्स, 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज 16.4, दैट ऑफ गर्ल्स इज 15.4, देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ध्यान देने वाला, आपको रेशियो फाइंड आउट करनी। अगर आपके पास क्वेश्चन होता, अगर आपके पास में क्वेश्चन होता कि हाँ जी बॉयज की एवरेज एज फाइंड आउट करो, तो क्या आप कर सकते थे? नहीं, सॉरी, एवरेज तो गिवन है। क्या आपके पास में क्वेश्चन होता कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते थे? आपके पास में बॉयज का रेशियो गिवन है, गर्ल्स का रेशियो गिवन है, पूरी क्लास का रेशियो गिवन है। अगर क्वेश्चन होता कि हाँ जी बताओ बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, या फिर क्वेश्चन होता कि हाँ जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास के अंदर, तो क्या फाइंड आउट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे देखना है कि क्या, अगर ये डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ जाए तो मुझे पता होना चाहिए। तो उसके लिए कहीं पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी जरूरी है। बट यहाँ पे क्या, आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो दैट मीन्स कि मुझे रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं। दैट मीन्स कि हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं बट हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो आप देखिए इसके दो मेथड है बेटा, एक बाई बेसिक मेथड एंड द सेकंड वन इज एलिगेशन रूल। ओके, आप दोनों से मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से देखते हैं, दोनों करेंगे, इधर एलिगेशन रूल से करते हैं, इधर बेसिक मेथड से करते हैं। ओके, अब बेसिक मेथड क्या कह रहा है कि भाई टोटल आपके पास में बॉयज और गर्ल्स का कैसे फाइंड आउट करोगे अगर हम नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि बॉयज मेरे पास में कितने हैं 20 और गर्ल्स मेरे पास कितनी है जी। ओके, तो अब देखो बॉयज टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे, बॉयज की रेशियो को बॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस गर्ल्स की रेशियो नहीं है बेटा, एवरेज है, ठीक है, उसको गर्ल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, बॉयज और गर्ल्स का टोटल। अब बॉयज और गर्ल्स का टोटल किसके इक्वल होगा, पूरी क्लास के टोटल के इक्वल। पूरी क्लास का एवरेज आपके पास में कितना गिवन है, 15.8, और बॉयज प्लस गर्ल्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट इज क्लियर, कोई इसमें डाउट? अब सॉल्व करो, कितना आ गया, 16.4 बॉयज प्लस 15.4 गर्ल्स इज इक्वल टू 15.8 बॉयज प्लस 15.8 गर्ल्स। डन, एक साइड बॉयज को रख लो, एक साइड गर्ल्स को रख लो। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो कितना आ गया, 0.6 बॉयज। अगर गर्ल्स को हम इधर लेके आते हैं तो वैल्यू कितने आ गया आपके पास में, ये हो गया बेटा 0.4 गर्ल्स। दैट मीन्स कि बॉयज बाई गर्ल्स अगर मैं देखूं तो कितना आ गया, 0.4 बाई 0.6, दैट मीन्स कि 2/3। और हमेशा जो वैल्यू फ्रैक्शन में आती है दैट मीन्स कि वो क्या है, उसकी रेशियो। तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या आ गई, दिस इज 2:3। कितना आ गया आपके पास, 2:3। क्लियर, नाउ कम ऑन द एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास में पार्शियली रेशियो गिवन है और टोटल, सॉरी पार्शियली एवरेज गिवन है और आपके पास में टोटल गिवन है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, एलिगेशन रूल अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइंड आउट करने के लिए, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर, अब हमारे पास में यहाँ पे पार्शियली बॉयज का एवरेज गिवन है और गर्ल्स का भी एवरेज गिवन है, ठीक है, और पूरी क्लास का भी गिवन है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एलिगेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करोगे, बॉयज का कितना है बेटा 16.4, गर्ल्स का कितना है 15.4, और पूरी क्लास का कितना है 15.8। डन, करिए अप्लाई। एलिगेशन रूल के अंदर क्या होता है कि जो आपका पूरा कंप्लीट का है उसको हम रखेंगे बीच में, ठीक है। एक साइड हमने बॉयज का एवरेज रखा, एक साइड हमने गर्ल्स का एवरेज रखा। अब बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए 16.4 के अंदर से हम माइनस करेंगे 15.8 को, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, दिस इज 0.6। ओके, यहाँ से 15.8 के अंदर से हम माइनस करेंगे 15.4 को, वैल्यू कितनी आ गई 0.4, कितना आ गया 2:3। सो आंसर क्या है, विल बी 2:3। जो मेथड आपको बेटर लगता आप उसको चूज कर सकते हो, जो मेथड आपको बेटर लगता आप उसको चूज कर सकते हो। क्लियर, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, देखिए क्या है, द एवरेज एज ऑफ वाइफ, हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 इयर्स एगो वाज 27 इयर्स।
and that of wife and child 5 years ago was 20 years the present age of husband. अब देखो यहाँ पे दो का आपके पास में एगो एगो में एवरेज गिवन है, तो एक पॉइंट स्पेशली आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में एवरेज गिवन है तो आफ्टर 3 ईयर अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना तो क्या करोगे, सीधा उसके अंदर 3 ऐड कर दो. 5 ईयर अगर आपने फाइंड आउट करना 5 ऐड कर दो. बिफोर अगर जाना है तो माइनस कर दो. देखो कैसे यहाँ पे बेटा आपके पास क्या गिवन है कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की 3 ईयर्स एगो एवरेज कितनी है 27 ईयर्स. अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में एवरेज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स. उसके बाद वाइफ और चाइल्ड की कितनी गिवन है 5 ईयर्स एगो 20 ईयर्स है. तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 25 ईयर्स. अब सारा डाटा किस में आ गया मेरे पास में, प्रेजेंट में आ गया सारा डाटा मेरे पास प्रेजेंट में. अब जब सारा डाटा प्रेजेंट में है फिर तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. ओके अब देखो अगर मैं कहूं कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का टोटल कितना होगा, टोटल हाँ जी प्रेजेंट एवरेज कितनी है 30, देयर आर टोटल 3% हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, दैट मींस कि टोटल कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ गया बेटा 30 × 3 = 90. ओके अब प्रेजेंट में क्या कहा है, वाइफ एंड चाइल्ड का कितना है एवरेज 25, दैट मींस कि वाइफ और चाइल्ड का टोटल कितना आ गया आपके पास में 25 × 2 दैट मींस कि 50. अगर मैं इनको माइनस करूं तो मेरे पास में किसका बच जाएगा, हस्बैंड कितनी वैल्यू आ गई 40 इयर्स. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 40 इयर्स, सिंपल. सो आंसर क्या आ गया बेटा ऑप्शन ए 40 इयर्स विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर, कोई इसमें डाउट आ रहा हूं. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे वाज 41 डिग्री एंड वेनसडे थर्सडे फ्राइडे वाज 40 डिग्री. अब एवरेज गिवन है, टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 डेज का, दैट मींस कि 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे. साथ में क्या गिवन है, फ्राइडे इट वाज 39 डिग्री, देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना होगा, ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना होगा. तो सबसे पहले मेरा कंसेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे एवरेज गिवन है और मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता है. अब जब से यहाँ पे क्या है 3 डेज का डाटा गिवन है, दैट मींस कि 3, तो मैं टोटल फाइंड आउट कर सकती हूँ कैसे, मल्टीप्लाई बाय 3. तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या आएगा आपके पास में, ट्यूजडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे कितना कह रहे हैं 41 डिग्री, 3 है तो क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया आपके पास में 123 डिग्री. डन. अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, वेनसडे वेनसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे कितना है 40 डिग्री, अगेन 3 डेज, दैट मींस कि कितना हो गया आपके पास में 120 डिग्री. अगर मैं इनको माइनस कर देती हूँ, अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई है, तो कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस कि ट्यूजडे माइनस फ्राइडे, ट्यूजडे माइनस फ्राइडे का टेम्परेचर कितना आ गया मेरे पास 3 डिग्री आ गया, 3 डिग्री आ गया. अब साथ में आपके पास फ्राइडे का टेम्परेचर तो गिवन है, कितना गिवन है 39 डिग्री गिवन है, दैट मींस कि ट्यूजडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 3 + 39 means 42 डिग्री. ओके सो योर आंसर विल बी 42 डिग्री, कितना आ गया 42 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो माइनर सा, बिल्कुल क्लियर है. 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, टोटल फाइंड आउट करने के लिए. ओके यहाँ पे आज क्या करेंगे, हमारे पास में 3 डेज का मिल गया, अगेन 3 डेज का मिल गया, जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास क्या आ गया ट्यूजडे माइनस फ्राइडे, बट फ्राइडे का तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, उसको हमने पुट कर दिया, वैल्यू आ गया आपके पास में ट्यूजडे की. ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम 16 पैसेंजर विद एवरेज वेट ऑफ 80 kg, हाउएवर 4 मोर बॉयज मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एवरेज एंटर्ड इट मेकिंग द एवरेज वेट 86 kg एंड ओवरलोडेड ओवरलोडिंग द एलिवेटर. ओके नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज, 4 बॉयज का एवरेज वेट फाइंड आउट करना है आपको. ओके अब देखो पहले कितने पैसेंजर है 16. ओके दैट मींस कि टोटल अगर मैं 16 पैसेंजर का देखूं, टोटल 16 पैसेंजर का वेट अगर हम देखते हैं कितना आ गया 80 × 16.
क्लियर, इतना ही आएगा। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि फोर मोर बॉयज आ गए, दैट मींस कि अभी कितने हो गए टोटल 20 पैसेंजर्स हो गए, और 20 का कितना हो गया आपके पास में वेट, उसने क्या कहा है कि एवरेज कितनी होगी 86, 86 इनटू 20 कितना आ गया आपके पास में, क्लियर। दैट मींस कि अगर हम फोर बॉयज जो आए हैं उनका वेट देखे टोटल तो कितना हो जाएगा, देखो बेटा ये अपने पास में कितने का है 20 का, ये है 16 का, अगर मैं 20 के अंदर से 16 का माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 4 का आ जाएगा, इसके अंदर से इसको माइनस करिए कितना आ गया ये आपके पास में 12 से 8 गया बेटा 4 और ये हो गया हमारे पास में 6 से 4, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज क्या होगा, फोर बॉयज है 4 से डिवाइड कर दोगे 110, कितना आ गया आपके पास में 110 कीजिए, क्लियर। कोई इसमें डाउट, सिंपल है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर इन ए गिवन सीरीज इज 24 एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग होल नंबर इज 18, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन द सीरीज। अब एक सीरीज है, उसने ये कहा है कि जो फर्स्ट नंबर्स है ना, फर्स्ट 3 होल नंबर्स, उनका एवरेज गिवन है कितना 24, ठीक है। अब बाकी मुझे पता ही नहीं कि मेरी सीरीज में कितने नंबर है, मेरी सीरीज में टोटल कितने नंबर है, तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि अगर मैं मान के चलूं कि मेरी जो सीरीज है उसके अंदर रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं, रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं मान लीजिए एक्स नंबर्स, ठीक है, तो अब मैं टोटल फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब देखिए अगर हम कहें कि भाई 3 का कितना टोटल बना 24, तो टोटल कितना बन गया सीरीज के अंदर 24 प्लस उसने क्या किया रिमेनिंग का कितना है 18, दैट मींस कि रिमेनिंग कितना था मेरे पास एक्स इंटू 18, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास टोटल, एवरेज अगर हम कंप्लीट का देखें तो डिवाइड किससे करेंगे, टोटल जितने भी नंबर है सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर हमारे पास में 3 नंबर्स तो ये है बेटा, और x हमने रिमेनिंग कंसीडर किए, दैट मींस कि कितने हो गए x प्लस 3, क्लियर। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया 72 प्लस 18 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, ये क्या आ जाएगी आपके पास एवरेज, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वैल्यू फाइंड आउट करो, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द ऑल नंबर्स ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे एवरेज जो है ऑप्शन में कह रहा है कि लेस देन 18, बिटवीन 18 एंड 24, मोर देन 24 और कांट बी डिटरमाइन। अब इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहा है, जब उसने होल नंबर कहा है दैट मींस कि हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी 72/3, क्लियर। कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी दिस इज 24 बन रहा है, कितना बन रहा है 24। अब यहां पे देखो लेस देन क्या कह रहा है 18, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक। वो क्या कह रहा है 24, दैट मींस कि मोर देन 24 भी रॉन्ग हो गया, क्लियर। अब हम दूसरी कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, कोई और वैल्यू पुट करके देखिए, एक्स इज इक्वल टू यहां पे हमने ले लिया 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो क्या होगा 72 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर। कितना आ गया आपके पास में 22.5 आ गया। अब ये वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, ये वैल्यू लाई कर रही है 18 एंड 24 के बीच में, तो यहां से हमें क्या मिला कि जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी बेटा 18 एंड 24 के बीच में आएगी, ओके क्लियर। अब यहां पे आप और भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आप 10 पुट करके देखो, एक बार 10 पुट करके देखिए, 100 पुट करके देखो, हमेशा जो वैल्यू है वो इनके बीच में लाई करेगी, क्लियर है, कोई इसमें डाउट, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन इज 35, एक क्लास है उसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 35, और उनका एवरेज भी कितना आ रहा है 35 आ रहा है। कह रहा है कि द मार्क्स ऑफ द वन स्टूडेंट हु गॉट 35, एक स्टूडेंट है जिसके 35 मार्क्स आए थे बट इनकरेक्टली एंटर्ड एज 65, बट उसको क्या किया 65 एंटर हो गया, देन व्हाट इज द करेक्ट एवरेज,
तो करेक्ट एवरेज, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई रॉन्ग एंट्री होगी उसको करेक्ट करना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, हाँ जी क्या करोगे कि ये देखो कि कितना एक्स्ट्रा उसको मिला हुआ है, इनकरेक्ट में कितना है, इनकरेक्ट कितना गया, 35 मिला था, मिल कितना गया 65, दैट मींस कि इसके अंदर से 30 की करेक्शन है, 30 रॉन्ग है, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में, एक तरह से एक्स्ट्रा मार्क्स हो गए, ठीक है, दैट मींस कि ये फालतू आ गए, तो हम क्या करेंगे करेक्ट के लिए उसको माइनस करेंगे, पर माइनस क्या करें जब बात आ रही है एवरेज की, तो एवरेज के अंदर बेटा इसकी एवरेज ही माइनस करोगे आप, एवरेज के अंदर से एवरेज ही माइनस करोगे, तो यहाँ पे एवरेज पहले कितनी थी 35, अब इसकी एवरेज कितने निकालेंगे, जब 35 है तो डिवाइडेड बाय 35, ओके कितना आ गया आपके पास में 35 माइनस ये हो गया बेटा 6/7, 6/7, 6/7 की वैल्यू कितनी होगी आपके 7/8 56, ओके अब अगर हम इसको पॉइंट में वैल्यू को फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 34.144, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी आपकी, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो नियर बाय अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। हाँ अगर यहीं पे अपने पास में ये होता कि यहाँ पे वो कह देता कि हाँ जी उसके 65 मार्क्स आए थे बट 35 कंसिडर कर लिए, दैट मीन्स कि कम हमने कंसिडर किया, ज्यादा आना चाहिए था, उस केस में क्या करते हम प्लस कर देते, पॉइंट का ध्यान रखना, अगर नंबर कम आए हैं और ज्यादा हमने लिख दिए तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, नंबर ज्यादा है बट गलती से हमने कम लिख दिए तो प्लस करेंगे, ओके बट करेंगे एवरेज के अंदर ही, करेंगे हम एवरेज के अंदर ही। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, देन व्हाट शुड बी द रन रेट रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स, करेक्ट 282 रन्स बनाने इसका टारगेट है। अब यहां पे देखो 10 ओवर्स के अंदर रन रेट कितनी है बेटा 3.2, दैट मींस कि 10 ओवर के अंदर उसने कितने रन बनाए, 10 ओवर के अंदर रन कितने हो गए 3.2 × 10, ओके रन रेट हम कंसीडर कर सकते हैं लाइक एवरेज, ओके कितने 32 रन्स बन गए। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि रिमेनिंग कितने हैं 40 ओवर्स, तो 40 ओवर्स के अंदर कितनी रन तक तो पहुंचना है आपको 282 रन्स बनाने, 282 रन्स बनाने, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं अगर ये कहूं कि अगर उसने एक्स रन के हिसाब से अगर यहाँ पे उसकी जो रन रेट है वो एक्स है, 40 के अंदर उसने कुछ रन बनाए कितने 40x, और सभी का टोटल किसके इक्वल होएगा, उसका टारगेट कितना है 282, दैट मींस कि जो 282 है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, मींस व्हाट 40x प्लस 32 इज इक्वल टू 282, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसको हमने माइनस किया कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाय 40, ओके तो कितना आ गया ये आपके पास में, हाँ जी ये हो गया 4×6=24, ओके कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस इज 6.25, आई थिंक क्लियर है सभी को, तो कुछ क्वेश्चन अभी आज हमने डिस्कस किए, आई थिंक सभी को क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और एक बार डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सप्लोर जरूर करेंगे, जैसी जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप कोर्स को ले सकते हो, एक बार सभी ने चेक करना है बेटा मेरे कहने पे, ओके सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।